मैंने ये गलती करी है 12 साल में एक बार पानी यहाँ से गुजरा था। जब आप गौशाला गोपालन का व्यवसाय चालू करने की सोच रहे हैं तो आपकी योजना है बड़े लेवल पे जाने की, तो पहले से ही प्री प्लानिंग तैयारी होनी चाहिए। ये पेवर ब्लॉक जो है ना, जितने घिसते हैं ना इतने पॉलिश होते जाते हैं और उससे भारी नुकसान होता है। तो मैंने गलती करी है वो आप ना करें, इसीलिए ये वीडियो है। जय गो माता, वंदे गो मातरम। दोस्तों, आज एक बात और भी बताने की थी जो बार बार मेरे मन में बह रही थी और मैं हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में बोलता भी हूँ कि गौशाला का निर्माण जब करो तब कभी भी इतना नदी के किनारे मत करो कि कभी बाढ़ आ जाए और आपका कुछ सामान बह जाए, गाय पानी में फंस जाए, आप पानी में फंस जाओ, आपका पानी का रास्ता फंस जाए या तो चारा पानी में बह जाए। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ये गलती करी है। आपको ये पीछे नदी दिख रही है ना, बड़ी नदी है ये। मैंने ये गलती करी है 12 साल में एक बार पानी यहाँ से गुजरा था, तो ये पूरा पानी के साथ पूरा बॉर्डर का ये लगभग 15-20 फीट का स्ट्रक्चर जो है पानी में बह गया था। जो मैंने गलती करी है वो आप ना करें, इसीलिए ये वीडियो है। और ये मेरा कहने का मतलब है कि पानी के बहाव से जहाँ 50 साल तक पानी नहीं आया है उनसे ऊपर गौशाला का निर्माण करना, ये आपको देखना है। पानी के आसपास में भले करो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बाढ़ में यहाँ पानी कहाँ तक आता है और आपका आने जाने का रास्ता पानी में नहीं है, गाय का आने जाने का रास्ता पानी में नहीं है, चारा लाने का रास्ता पानी में नहीं है। कई बार ऐसा होता है गौशाला भी ऊंची ज़मीन में है और चारा भी ऊंची ज़मीन में है, पर बीच में एक पानी है, पानी का रास्ता, और वो पानी का रास्ता ऐसा है कि आपको उसी को पास करके आना और जाना होता है, तो वो रास्ता बंद हो जाता है, पानी बहता है तब, तो गाय का खाना लाने में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा गौशाला आसपास के ग्राउंड से ऊंची करें। जैसे आपकी गौशाला में गाय जहाँ रहती है उनके आसपास की ज़मीन जो है वो कम से कम 2 से 2.5 फीट नीची होनी चाहिए। उससे 2-3 फायदे है। एक तो आपका गौमूत्र इजीली एक जगह पे स्टॉक हो जाएगा, दूसरी बात यह है कि गाय जहाँ बसती है वहाँ कभी नमी नहीं लगेगी, वहाँ कभी कीड़े नहीं लगेंगे और वहाँ गंदगी कम होगी। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है उसका आप ध्यान रखेंगे तो आप भारी भड़कम मेंटेनेंस से बच जाएंगे। जब आप गौशाला निर्माण करते हैं तो गौशाला की नीचे की जो ज़मीन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए, टाइट, जिसके अंदर गाय बारिश से पानी चले, पानी गिरे तो गाय के पैरों में कीचड़ ना हो और कम से कम कीचड़ हो और गाय को जो चलने फिरने का है उसमें भी कोई परेशानी ना हो, इसलिए कीचड़ से। और वैसे भी गाय को कीचड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, गाय हमेशा कीचड़ और बारिश पानी से बचती है, तो वो हमेशा ध्यान रखना है। गाय का व्यवसाय, शोषण मुक्त व्यवसाय आप हमेशा 2 गाय से चालू करें और प्री प्लानिंग रखें कि आप किस प्रकार से बढ़ाना चाहते हैं, आपका मानसिक तैयारी क्या है। तो यदि आपका 2 गाय से लेकर 200 गाय तक जाना है तो उस प्रकार से साइड में आप स्टेप बाय स्टेप जगह छोड़ते चले जाए और उसी के अंदर स्ट्रक्चर करते जाए, जब जब गाय बढ़ती जाए उसी लाइन में। तो पहले से प्लानिंग करके चलेंगे तो आपको योजनाबद्ध रूप से काम करना आसान रहेगा और गायों को संभालना भी आसान रहेगा और आपकी व्यवस्था भी आसान रहेगी। जब आप गौशाला गोपालन का व्यवसाय चालू करने की सोच रहे हैं तो आपकी योजना है बड़े लेवल पे जाने की, तो पहले से ही प्री प्लानिंग तैयारी होनी चाहिए कि ये गायों का रहने का, ये बछड़ों का रहने का, दूध पीने वालों का, ये दूध नहीं पीने वालों का, और उसके साथ आपकी कैटल फीड की रूम होनी चाहिए, कितनी गाय रखनी है उस प्रकार से घास का गोडाउन, ये सारी डिज़ाइन दिमाग के अंदर बना के ही आगे चलना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छा लगेगा और कम खर्चे में अच्छे से काम होगा। यदि आपके पास समझ लो 2-3 गाय है तो बड़े विभाजनों की कोई आवश्यकता नहीं है, वो आप कैसे भी केयर कर सकते हैं। तो जब आप योजनाबद्ध तरीके से विभाजन करके अलग अलग प्रकार से गोठे बनाते हैं तो उससे जो है आपको काम करना आसान रहेगा, गायों की केयर करना आसान रहेगा, अलग अलग ट्रीटमेंट देना आसान रहेगा, अलग अलग खुराक देना आसान रहेगा और प्रत्येक गाय की पोजीशन के ऊपर आप ध्यान दे पाएंगे। जैसे बीमार गाय का ध्यान रखना है तो
सौ गायों मतलब ज़्यादा गायों के बीच में आप बीमार की केयर कैसे ले पाएंगे, कैसे देख पाएंगे। पर इसी प्रकार से यदि आपको अलग अलग व्यवस्था है तो ट्रीट करना, देखना, ऑडिट करना सब चीज़ें आसान हो जाएगी। जब गौशाला का निर्माण करना है कम से कम बजट में प्लानिंग हो उस प्रकार से सोचना चाहिए। जैसे मेरे कुछ जान पहचान वाले लोगों ने 20 गाय का प्लान किया था और 55 लाख रुपया लोन लेके दूसरे के खेत में गौशाला निर्माण में लगा दिया, तो ये बहुत बड़ी गलती करी है उसने और उसके कारण आज बड़ी लोन का ब्याज का पैसा भी नहीं निकल रहा है। तो ऐसी योजना बनानी चाहिए कि कम से कम इन्वेस्टमेंट आपके वो गौशाला निर्माण में और बाकी जो जिससे इनकम नहीं होने वाली है, जो आप मिलकत के रूप में करने वाले हैं, प्रॉपर्टी रहेगी आपकी, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा गायों में इन्वेस्टमेंट हो और ये सब चीज़ें सस्ते में कैसे प्रोवाइड हो उस प्रकार से आपको सोचना चाहिए। तो सस्ता जुगाड़ जो हमने किया है ये सेकंड हैंड बांबू थे, सेकंड हैंड सताई थी और सिर्फ 6 खंभे आसपास में लगा दिए और बांबू को भी आधा बांबू का ही उपयोग किया है, पूरा बांबू भी नहीं उपयोग किया। इसके ऊपर प्लास्टिक डाला है अच्छा वाला, जो दोरे वाला धागे वाला प्लास्टिक आता है, और उसके ऊपर घास डाला है। तो इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो सस्ते से सस्ता लगभग 10-15 गायों तो इसमें आराम से रह जाएगी, ऐसा जुगाड़ है। और ये लगभग सिर्फ 10,000 में हो गया है। जब ये गौशाला का निर्माण किया था तो ये जो पाइप है ये कंप्लीट तैयार मिले थे, ये सेकंड हैंड जुगाड़ से लिए हुए हैं, इनको 200 साल तक कुछ नहीं होगा। ये केचिया जो है ये भी मैंने जुगाड़ से ली हुई है कबाड़ी से। तो इस प्रकार से जितना आप इंफ्रास्ट्रक्चर में कम खर्चा करते हैं उतना आप सफलता की ओर जाएंगे। और गौमूत्र यहाँ जो है गाय हमारी सिर्फ दूध के लिए आती है, दूध दोहन के बाद वो वापिस बाहर चली जाती है, ओपन गोठे में ही ज़्यादा रहती है। यहाँ दूध के समय पे जो गौमूत्र इकट्ठा होता है तो इसके अंदर 50,000 लीटर का एक गौमूत्र का टैंक है, दो टैंक है 25-25 के। इस प्रकार से ये पूरे भरे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये जो ये यहाँ हमने ब्लॉक डाले हैं, ये पेवर ब्लॉक बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। ये पेवर ब्लॉक जो है ना जितने घिसते हैं ना इतने पॉलिश होते जाते हैं और उससे भारी नुकसान होता है, जो क्लीन हो जाते हैं तो गाय फिसलती है। तो हम इसको कभी पानी से नहीं धोते हैं, पानी से गौशाला को कभी नहीं धोना चाहिए, क्योंकि पानी दूध यहाँ दूध गिरता है, पानी दूध गोबर और गौमूत्र ये सबों का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो तुरंत ही बैक्टीरिया हो जाता है। तो पानी से नहीं धोना चाहिए। यदि इसको धोना है तो 2-4 महीने एक बार ये गौमूत्र का टंका है इस गौमूत्र से धो देना चाहिए। तो इसमें गौमूत्र लग जाता है तो गौमूत्र में सल्फर होता है, तो कोई फफूंद मच्छर मक्खी वो अपने अंडे नहीं रखते और वो अपना निवास नहीं बनाती यहाँ। ये हमारा यहाँ जो है ये दूध निकालने का है और यहाँ बीच में गैलरी है, आप देख सकते हैं यहाँ जैसे बच्चा बैठा है गाय का, ये आज ही जन्मा हुआ है, आज अगले दिन कल, तो ये बच्चा जो जन्मा हुआ है ऐसे एक बेड रहता है यहाँ, बीमार गाय, ट्रीटमेंट वाली गाय या डिलीवरी वाली गाय ये हमारी इसमें बीच में रहती है। ये फिर भी हमारा ये कोई प्रकल्प ऐसा नहीं था हम 200-500 गाय रखेंगे, उस समय तो हमारा 50-60 गाय का प्लान था जो हम उसको लेके चल रहे थे। तो जो आपका प्लानिंग है वो पहले से ढंग से प्लानिंग करके आगे बढ़ेंगे तो और बेहतर रहेगा। और मेरे से भी जो देश भर में घूमते हैं घूमने वाले लोगों से राय लीजिए, और यदि सक्सेस और भी गौशाला है तो गौशाला में जाके जानकारी लीजिए किसको क्या दिक्कत आ रही है। जैसे मैंने ये पानी के लिए बनाया था, इसमें गाय पानी पिएंगी ऐसा सोच के, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि गाय इधर दलिया खाती है, ये तगारे में दलिया खाएगी गाय, तो दलिया खा के दलिया वाला मुँह इसमें घुसाएगी, तो इसमें प्योर गंदगी होती है। जैसे अनाज का दलिया बनता है, गुड़ अनाज छाछ ये सब उसमें होता है, और ये पानी के साथ मिलेगा तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलता है और पानी सड़ता है तो उसकी बदबू आती है। इस प्रकार से जो अनसक्सेस चीज़ें हैं दूसरे के वहाँ जा के सीख के जो अनसक्सेस चीज़ें हैं उसको नहीं लगाना है। और जो जो लोग अच्छा रिव्यू देते हैं, जैसे जो जो चीज़ें सफल रहती है वो करना चाहिए। तो गौशाला जो है इस प्रकार से होना चाहिए, जिधर गर्मी की हवा आती है उधर खुला रहना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ हमारी सारी गैया बैठी है,
और यहाँ इतनी तेज हवा चलती है, ये कपड़ा मैंने शायद इसीलिए दिखाने के लिए रखा, इतनी तेज हवा चलती है कि यहाँ मच्छर मक्खी कुछ भी खड़ा नहीं रह सकता, भले आता है आएगा ये सब होगा, लेकिन यहाँ एकदम स्थानिक रूप से अपना बसेरा कर सके या तो अपना निवास कर ले ऐसा नहीं होता। देखिए इतना तेज हवा चलता है, ये पूरा प्लानिंग हमारा है। जैसे यहाँ से गर्मी में हवा आती है तो ये आपको दिखाई देता है, और पीछे से एकदम उधर से ठंडी की हवा आती है, तो आपको उधर एक शेड जैसा दीवार जैसा दिखता है। तो ये एक गोडाउन है हमारा घास भरने का, तो एक नेचुरल व्यवस्था देखो आप, इतना हवा आती है कि आपको खुद को मज़ा आएगा, तो ऐसे गाय को भी मज़ा आएगा, और मच्छर मक्खी नहीं होगी तो एकदम शांत लगेगा आपको। इस प्रकार से ये नेचुरल व्यवस्था बनाई है। कई बार अपन बोलते हैं ना ऋतुचर्या दिनचर्या, ये इस प्रकार से ऋतुचर्या का एक भाग है। ऋतुचर्या का कुदरती रूप से आप कितना फायदा उठा सकते हो, जैसे ये गर्मी में खूब हवा आनी चाहिए, ये गर्म ऋतु में फायदेमंद है, ठंड में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, तो ये अपने आप प्रोटेक्ट हो जाता है। ये ऋतु के आधार पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रयास किया है कि मैं आपको मेरे शब्दों से कुछ मदद रूप हो जाओ, ऐसा प्रयत्न किया है। और जो भी आप करना चाहते हैं दुनिया का कोई भी काम, गोपालन का हो, कंप्यूटर का हो, साइंस का हो, या कोई भी बिजनेस है, तो उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी ले उसके बाद ही करना चाहिए। आधी अधूरी माहिती में कभी कोई काम करना नहीं चाहिए। और जो आप जो काम करना चाहते हैं गोपालन का, उसके बारे में पूरा नॉलेज ले, ट्रेनिंग ले, या तो कहीं अलग अलग जगह पे सक्सेस मॉडल चल रहे हैं उससे जानकारी ले, उसके बाद ही करना चाहिए। दोस्तों यदि आपको सही लगता है कि ये वीडियो मैंने नए गोपालकों के उपयोग के लिए किया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, अपने सुझाव दें। और आपके पास अच्छी नॉलेज है तो उनको भी यूट्यूब के माध्यम से जन जन तक पहुँचाइए। जय गो माता, वंदे गो माता।